The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. वो ब्रोंकोस्पाज्म खांसी और उसके इश्यूज डबल बढ़ जाएंगे. सो जब आप डॉक्टर के पास आते हो तो हम क्या देखते हैं, आपका जो साइंस देखते हैं कि भाई हाँ क्या ये अस्थमा है या क्या ये इन्फेक्शन है, तो साइंस एंड सिम्टम्स में रेगुलरली हो रहा है. इन्फेक्शन रेगुलर नहीं होगा, अगर रेगुलर हो रहा है हर बार धूल मिट्टी से, हर मौसम चेंज में हो रहा है, हर इसमें हो रहा है, सो ऑब्वियसली एलर्जिक कंपोनेंट है, राइट. अगर एक आधी बार हुआ है, अभी हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, इट माइट बी इन्फेक्शन, राइट. सो हमें क्या देखना है कि डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट. हम उसमें आपका हेल्थ चेकअप पे भी देखते हैं कि जो आपका पीक फ्लो मीटर है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे थोड़ा आइडिया मिलता है कि आपको कितना है कितना नहीं है अस्थमा, कितना मेजर प्रॉब्लम है. और आपको कई बार इन्हेलर की हिस्ट्री होती है कि आप इन्हेलर लेते हो तो आराम होता है, इन्हेलर क्विक रिलीफ, ब्रोंकोडायलेटर होता है इन्हेलर में, और दो तीन दवाई होती है, बताएंगे हम किस प्रकार के होती हैं. लेकिन कुछ लोगों को कुछ अलग प्रकार का भी अस्थमा होता है, जैसे एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा मतलब एक्सरसाइज करने पर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है. दैट मे बी बिकॉज ऑफ जब हवा ज़्यादा ठंडी ज़्यादा ड्राई हो तो भी ज़्यादा बढ़ जाता है. ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी होता है, जैसे वर्क प्लेस में आपके केमिकल फूम्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट हैं, तो उस एरिया में गए कि नहीं गए तो ठीक, राइट. फिर एलर्जिक अस्थमा होता है, एलर्जी इंड्यूस्ड मीनिंग कि कोई एलर्जिक सब्सटेंस है, जैसे कि कोई स्पोर्स हैं, अब गर्मी में स्पोर्स ज़्यादा निकलते हैं, हे फीवर जिसे कहते हैं, और पोलन ग्रेन ज़्यादा निकलते हैं, राइट. किसी को कॉकरोच वेस्ट से, किसी को डस्ट से, किसी को घर की डस्ट से, पार्टिकल्स से, किसी को जो आपके पेट्स हैं घर में उनके डेंगर से, पेट डेंगर से, पेट के ऊपर जो थोड़े बहुत बाल वाल होते हैं यहाँ उनसे, किसी को कई चीज़ों से एलर्जिक हो सकती है, एलर्जी की वजह से अस्थमा अटैक हो सकता है. So, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना वो ये है कि अगर अस्थमा का आपको अटैक आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास कब जाएं, राइट. आपका ऑब्वियसली अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, वीजिंग हो रहा है और इनहेलर लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा जो आपको डॉक्टर ने दिया, तो तुरंत हॉस्पिटल दौड़ना चाहिए, जाना चाहिए. अगर थोड़ी सी भी मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी करने पर ही आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, राइट. और अगर आपको लगता है आपको अस्थमा है, आपको लगता है कि आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं. याद रखिए अस्थमा का कॉज एक एलर्जिक टेंडेंसी है और इसके ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं. ट्रिगर्स आपको पहचानने पड़ेंगे. इरिटेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जेंस हैं, जो आपके ट्रिगर बन जाते हैं, ट्रिगर होते हैं, जैसे कि एक तो हवा में होते हैं, हवा में ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि नाक से तो हवा ही जाएगी, सांसों में हवा जाएगी, हवा के साथ डस्ट जा सकती है, पोलन ग्रेन्स, मोल्ड्स, पेट डेंगर, पार्टिकल, कॉकरोच, ये तो है ही. साथ ही कई बार इन्फेक्शन वायरसेस ट्रिगर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस. ठंड के मौसम में वायरस ज़्यादा आते हैं, कॉमन कोल्ड वायरस, गर्मी में भी हो सकते हैं, ठंड में ज़्यादा होते हैं. फिजिकल एक्टिविटी, कोल्ड एयर, ड्राई एयर, हमने ऑलरेडी बताया. एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक पोल्यूशन, इरिटेशन, स्मोक, धूल धूल मिट्टी, एक यह है. कई दवाइयां भी इनमें होती हैं, दवाइयां भी कई आपके अस्थमा के ट्रिगर्स बन सकती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट की दवा, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा होती है, एक तरीके की दवा है बीटा ब्लॉकर्स. एस्पिरिन, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, दर्द की दवा, इन सब दवाओं से कई बार कई पेशेंट्स को ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंको स्पाज्म. सो दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए जाते. कई बार इमोशंस से रिलेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत जोर से रोना आया और बहुत जोर से सांस, ब्रोंकोस्पाज्म, स्ट्रॉन्ग इमोशन, या स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस, ब्रोंकोस्पाज्म. सो स्ट्रेस एंड इमोशंस आर ऑल्सो रिलेटेड. देन कुछ तरीके के खाने पीने की चीजें भी इसमें ट्रिगर बन जाती हैं, जैसे कोई किसी ने किसी को किसी प्रकार के खाने पीने से, किसी को
किसी खाने पीने से एलर्जी, पीनट एलर्जी है किसी को, नॉनवेज से एलर्जी किसी को, ड्राइड फ्रूट से एलर्जी किसी को, प्रोसेस्ड फूड से एलर्जी है, बियर से, वाइन से, दारू से एलर्जी है, ठंडी से एलर्जी है, ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया. सो ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन डेरियस पीपल. यू आपको अपने ट्रिगर ढूंढने पड़ेंगे, राइट. और एक चीज है जो आपका कर सकती है ट्रिगर, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है. रिफ्लक्स 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 होता है, रिफ्लक्स होता है. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ट्रिगरिंग योर एस्थमा, राइट. सो आपके ये सारे ट्रिगर में से आपके कौन से ट्रिगर है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे. इसके अलावा आपको ढूंढना होगा आपके रिस्क फैक्टर. क्या रिस्क फैक्टर्स हैं भी, आपको एस्थमा है कि नहीं है. अगर आपके फैमिली में, ब्लड रिलेटिव्स में किसी को एस्थमा है, यू हैव अ हाई चांस, यू हैव अ चांस, राइट. अगर आपको और दूसरी प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस है, लाइक स्किन एलर्जी है, टोपिक डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक में एलर्जी ज्यादा हो जाती है, तो अस्थमा के चांसेस ज्यादा है. ट्रिगर हो सकता है वो ट्रिगर मिलेगा तो हो जाएगा. इफ यू आर अ स्मोकर, सिगरेट बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, तो आपको अस्थमा, COPD होने के या टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट. आप लेते हो, अगर मान लीजिए सेकेंड हैंड स्मोक भी लेते हो, सेकेंड हैंड स्मोक से आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी. और आपका अगर मान लो केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, पोल्यूशन एक्सपोजर हो रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हो तो बहुत इशू है, बिना मास्क के, बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के तो इशू है, राइट. ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि आपके केमिकल्स और फार्मिंग में, हेयर ड्रेसिंग में, तो उन सब जगहों पे कई बार ऐसे स्प्रेज, ऐसे चीजें यूज होते हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो अस्थमा अगर होता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा से ज्यादा दिक्कत क्या हो सकती है. ज्यादा से ज्यादा दिक्कत कई बार आपको नींद सही से नहीं आएगी, काम सही से नहीं कर पाओगे, एक्टिविटी सही से नहीं कर पाओगे, स्कूल सही से नहीं जा पाएंगे बच्चे. परमानेंटली अगर नैरोइंग हो जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, नेबुलाइजर लेना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए. सीवियर अस्थमा का अटैक हो जाए तो ब्रोंकोडायलेटर का इंजेक्शन लगते हैं, नेबुलाइजर लगते हैं, बहुत सारी दवाइयां आती है जिनको स्टेबलाइज करना पड़ सकता है, राइट. स्टेटस अस्थमैटिकस भी होता है जिसमें भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो पेशेंट कई बार इसमें दिक्कत ज्यादा हो जाए तो एक एक्सट्रीम केस में वेंटिलेटर पे भी जाते हैं, राइट. क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, बेहोश भी हो सकता है. सो इसलिए इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है. कैसे प्रिवेंट करोगे, कैसे मॉनिटर करोगे? प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के साथ काम करना. आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर समझो आपके केस में इन सारी बातों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. आपका एस्थमा एक्शन प्लान बनाओ, राइट. आपका बुक बनाओ जिसमें आप ट्रिगर लिखोगे, ट्रिगर को ग्रेड करोगे 0 to 10, कौन सा ट्रिगर कितने परसेंट काम कर रहा है, कितने ज्यादा सीवियर है, कितना मेरे को उससे अवॉइड होना है, कहाँ कहाँ से आ रहा है. यू हैव टू प्ले अ प्लान, प्लान के बगैर काम नहीं होगा. एस्थमा प्लान बनाना पड़ेगा, राइट. इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन लेनी होगी प्रिवेंशन के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, निमोनिया के लिए, स्वाइन फ्लू वाली जो वैक्सीन आती है, फ्लू शॉट्स हर साल आती है, वो लेनी होगी. निमोनिया की वैक्सीन लेनी होगी. और आपको ऑब्वियसली बाहर जैसे ही निकलते हो हर एक ट्रिगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रिगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अपनी ब्रीदिंग मॉनिटर करनी पड़ेगी. ब्रीदिंग मॉनिटर करो कि ब्रीदिंग बढ़ रही है, हार्ट ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, व्हाटएवर. बहुत सारे मेथड्स आते हैं, योर डॉक्टर विल टीच यू दैट, बट देन वो चीजें एक्सट्रीम लेवल पे. बट प्राइमरी लेवल पे आपको याद रखना है अटैक कैसे आता है, ट्रिगर कौन सा है, अटैक को जल्द से जल्द पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचे या दवाई ले लो, पंप ले लो, जो भी आपको SOS इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए दिया गया जाता है डॉक्टर के थ्रू. और अपनी दवा टाइम से लो, बहुत जरूरी चीज है. लोग सोचते हैं मैं ठीक हो गया, मेरे को हो नहीं रहा तो मैं बंद कर देता हूँ. नो, अस्थमा ऐसे नहीं चलता, फिर होगा, फिर आएगा, जरूर आएगा. सो यू हैव टू टेक योर मेडिसिन, डॉक्टर से डिस्कस करो. कम करने का मन है तो डॉक्टर से बात करो, परमिशन लो, अपने कंडीशन दिखाओ, वो आपकी देख के आपको इवेल्युएट करके आपकी दवा कम कर सकते हैं. खुद से दवा बढ़ाना भी नहीं है. अगर आपकी दवा ज्यादा लग रही है, तो गो टू अ डॉक्टर. तब वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी कि वाई, क्यों क्यों दवा ज्यादा लग रही है अब आराम आने में. तो खुद से बैठे नहीं रहना है, याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया वो चीज, अगर
डायग्नोसिस की बात आती है तो जो जिनको नहीं पता अस्थमा है नहीं है, स्पायरोमेट्री करके आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कि भाई आप कितनी हवा अंदर लेते हो फेफड़ों में, कितनी बाहर छोड़ते हो और कितना आपकी कैपेसिटी है, उसमें अस्थमा है नहीं है पता चल सकता है, राइट। लंग फंक्शन टेस्ट जिसको भी कहते हैं, और पीक फ्लो एक और सिंपल छोटा डिवाइस होता है वो भी बता सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो नॉर्मली नहीं किए जाते, चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है, एलर्जिक टेस्ट किया जा सकता है, स्पूटम इवेल्युएशन किया जा सकता है, ब्लड स्पूटम में इयोसिनोफिल्स कितने हैं वो किए जा सकते हैं, वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, राइट। उसके अलावा हाँ, तो मैंने कि एक बार सर आपका लिखे कहाँ पे टू डॉलर पर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा आपका ट्रीटमेंट आता है। सो ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना है, ट्रीटमेंट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्या क्या दवाएं यूज होती हैं ये होती हैं, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होनी चाहिए। और आपके सवाल लेते हैं, आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिए अब, और वी विल टॉक अबाउट इट, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक।